नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक नई वीडियो पर। आज है 28 फरवरी और आज दिन है बुधवार। जैसा कि आप जानते हैं, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, लेकिन मंथ एंड होने की वजह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल के डेट में होने वाली है। तो आज मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसके प्रीमियम काफ़ी हाई थे, इसलिए मैंने निफ्टी 50 में ट्रेड लिया हुआ है दिन के। तो मैंने दिन के 3 ट्रेड लिए हुए हैं। मैंने तीनों ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे हैं आज के। और पहले ट्रेड में मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट हुआ ठीक ठाक, लेकिन तीसरे ट्रेड में मैं थोड़ा सा ट्रैप हुआ, लेकिन मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर था। हालांकि मैंने आज के सारे ट्रेड जो है पुट साइड के लिए हुए थे, क्योंकि मार्केट में मुझे कल के डेट से ही पता था कि आज के डेट में काफ़ी अच्छी सेलिंग आने वाली है। और मैं सुबह ही बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं अक्सर 12 बजे ट्रेड करता हूँ, लेकिन आज के डेट में मैंने 9 बजे से ही या 10 बजे मैंने पहला ट्रेड लिया है। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। और मैं मार्केट खुलने से पहले ही अपने स्ट्राइक प्राइसेस ऐड करके रखे हुए थे, क्योंकि मैं मौका ही ढूंढ रहा था कि कब मार्केट गिरे और मैं कब पुट साइड का एक अच्छा सा ट्रेड बनाऊं। तो मैंने आज जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस टाइम पे, मैंने इन्हीं 3 स्ट्राइक प्राइसेस में ट्रेड किए हुए हैं। पहला ट्रेड मैंने लिया हुआ है, मैं आपको चल के अभी दिखाता हूँ ऑर्डर लिस्ट में, देख सकते हैं। पहला ट्रेड मैंने लिया हुआ है पुट साइड का, जिसका स्ट्राइक प्राइस था 22,250 का, जिसका प्रीमियम 129 पे मैंने बाई किया। आप देख सकते हैं एक ही लॉट के साथ मैं काम किया था, क्योंकि मैं अपने फंड में 10,000 तक का कैपिटल यूज़ करता हूं, और मैं पर ट्रेड 5 से 6,000 या 4,000 तक का ही कैपिटल यूज़ करता हूं। अपने पहले ट्रेड या दूसरे ट्रेड मैं जैसे जैसे ट्रेड लेता हूं, 5,000 6,000 तक का ही कैपिटल यूज़ करता हूं। तो उसके हिसाब से मेरी करीब करीब पहले ट्रेड में जो मेरा कैपिटल यूज़ हुआ है, करीब करीब मेरा 6,400 रुपये के आसपास मेरा कैपिटल यूज़ हुआ, जिसको आप देख सकते हैं मैंने करीब 38 पॉइंट का मार्जिन ग्रैब किया। और आप देख सकते हैं कि मुझे प्रॉफिट इस ट्रेड में ही, पहले ट्रेड में ही, इस ट्रेड में ही मुझे 1900 रुपये का प्रॉफिट पहले ट्रेड में ही केवल 6,600 रुपये लगाकर बन गया मेरा प्रॉफिट। तो आइए मैं आपको ग्राफ में लेकर चल के दिखाता हूं कि मैंने कहां पे ट्रेड लिया हुआ है। हम निफ्टी 50 का ग्राफ खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने पहला ट्रेड अपना लिया हुआ था, जो कि मैंने लिया हुआ था 10:01 पे, तो आप देख सकते हैं यहां पर 10:01 पे, यानी कि इस कैंडल पे, इस कैंडल के हाई पे मैंने जाकर अपनी ऑर्डर पंच की हुई थी कॉल अरे पुट साइड की, जो कि आप देख सकते हैं ये जोन, इस जोन तक मार्केट थोड़ा सा मूव किया, और इसके बाद से आप देखिए सेलिंग स्टार्ट हुई। और जब सेलिंग स्टार्ट हुई, तो आप देख सकते हैं कितने बुरी तरीके से मार्केट गिर के डायरेक्ट आपका मार्केट आ गया 22,220 से 22,040 पे, यानी कि पूरे के पूरे 200 पॉइंट का यहाँ पे आपको एक घंटे के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं या आप इंटरमीडिएट भी हैं, तो आपको अपने ट्रेडिंग के सेटअप को बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा। मैं अक्सर अपने 5 सेटअप तैयार रखता हूँ मार्केट खुलने से पहले, जो कि मैं फॉलो करता हूँ। अपने पहले ट्रेड में तो मैं 5 के 5 मेरे अगर सेटअप मेरे ट्रेड लेने के लिए परफेक्ट दिखते हैं, तभी मैं अपना पहला ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा पहला ट्रेड जो हो, मैं कभी उसको नेगेटिव में कट ना करूँ, यानी कि स्क्वायर ऑफ ना करूँ। मैं पहला ट्रेड जो है हमेशा पॉजिटिव में ही या प्रॉफिट में ही रखना चाहता हूँ, ताकि मुझे सेकेंड ट्रेड के लिए काफ़ी थोड़ा ईजी हो जाए कि मैं अपना दिन का ट्रेड ले सकूँ, सेकेंड ट्रेड प्रॉफिटेबल बन सकूँ आज के डेट में। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि अपने 5 सेटअप को क्लियर रखने के बाद ही मैं अपना एग्जीक्यूट करता हूँ ट्रेड। तो मेरा यहाँ पर माइंड बिल्कुल क्लियर था, इस जगह पे मैंने पुट साइड का लिया, और आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है, और मैं इस लेवल पे आके अपने पहले ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इस जगह पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही थी, सपोर्ट मार्केट को लेना पड़ सकता था, और मार्केट हो सकता था यहाँ पे थोड़ा सा वापस से कंसोलिडेट करता, लेकिन मार्केट में इतनी ह्यूज सेलिंग थी गाइज, इस जगह पे बायर्स बिल्कुल नहीं टिक पाए और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गया। तो इस ट्रेड में मुझे करीब करीब आपको मैंने बता रखा कि 2,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हो गया था। तो मैं अब सेकंड ट्रेड को आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे एग्जीक्यूट किया। आइए पीछे चल लेते हैं अपने ऑर्डर लिस्ट में वापस से, और आप देखिए एक ही लॉट से मैंने आज दिन का काम किया, क्योंकि आज प्रीमियम थोड़े हाई थे। तो 135 रुपये में मैंने इस बार इन द मनी का 22,100 का पुट मैंने वापस से बाई किया, जिसको मैंने की 3.60 रुपये के मार्जिन पे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे साइड में ही गया था, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेट कर गया, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा अपने को सेफ रखने के लिए मैंने अपने ट्रेड को थोड़े ही प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ कर दिया। मुझे दूसरे ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ वो 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ठीक है, मैंने कम नहीं होने दिया अपने प्रॉफिट को, इसलिए मैं पॉजिटिव में रहते ही कट कर दिया। आइए अब मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूँ। 12:20 पे लिया था पहला ट्रेड, जिसको मैंने 5 मिनट के अंदर स्कैल्प करके हटा दिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ मैंने जहाँ पे ट्रेड लिया था, मेरे अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव किया नीचे की तरफ, लेकिन थोड़ा सा ट्रैप करने के बाद।
आइए वापस से हम बैक चल लेते हैं। तो 12:20 पे आप देखिए, 12:20 यानी ये कैंडल आपको देख रहा होगा, ग्रीन कैंडल। इस जगह पे देखिए आप, मैंने पुट साइड का यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करने वाला था। जैसा कि आप देखिए, करीब करीब 15 मिनट बाद मार्केट नीचे की तरफ कितनी अच्छे तरीके से वापस से मूव किया हुआ है। लेकिन मैं मार्केट से यहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि मैं हमेशा सेफ ट्रेड करता हूँ गाइस। मैं अपना दिन भर का 1-2 हज़ार 2-3 हज़ार तक का ही अपना प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कैपिटल ही उतना लेके मार्केट में निकलता हूँ। अगर आप भी इसी डिसिप्लिन के साथ मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में टिके रहेंगे। मैं लॉन्ग टर्म टिकने के लिए ही मार्केट में आया हूँ, ना कि एक ही दिन में 5,000, 6,000, 10,000 बनाने के लिए आया हूँ। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको इस चीज़ पर, मतलब पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि मुझे थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेके ही घर जाना है। अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए आप सोच लिए तो आपका माइंड भी हर ट्रेड के लिए वैसा ही काम करेगा। आपको दिन भर में 200 ट्रेड दिखेंगे, 200 अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, आपको लगेगा कि यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए और आपके अकॉर्डिंग भी जाएगा। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। जब आप मार्केट में घुसेंगे तब आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो मैं भी इसी तरीके से वर्क करता हूँ। मैं इसीलिए थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे ट्रैप हो रहा हूँ, या देखिए कंसोलिडेट किया, मैं मार्केट से निकल गया। हालांकि मैं थोड़ा देर और रुकता तो मुझे अच्छा ट्रेड मिलता, लेकिन मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता। और मार्केट कब ऊपर मूव कर देगा, जबकि यहाँ पे सारे डेटा, सारे सब कुछ चेक करने के बाद, सारे सेटअप चेक करने के बाद भी, मैं श्योर होने के बाद मैंने दूसरा ट्रेड लिया था। उसके बाद भी आप देखिए, मैं थोड़े से ही प्रॉफिट को गेन करने के बाद काट देता हूँ। तो डिसिप्लिन सबसे बड़ी मैटर करती है। मैं बिगनर था तो मैं भी यही गलती करता था, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देता हूँ। इसीलिए मैं, आप देख सकते हैं मेरे सारे वीडियोज़ पिछले, मैं हर दिन प्रॉफिट इसीलिए गेन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं डिसिप्लिन अब मेंटेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी क्या फॉलो की हुई थी, आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन आ रही हुई है, आपको मैं ड्रॉ करके अभी दिखाता हूँ। तो ठीक है, मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस ट्रेंड लाइन को मैं फॉलो कर रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पर मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाई। वापस से मैं इस जगह पर जो मैंने बाय किया हुआ था, इस ग्रीन कैंडल पे, तो वापस से नीचे की तरफ मूवमेंट थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ने लोगों का स्टॉप लॉस खाया और वापस से नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई। मार्केट ने थोड़ा सा ट्रैप किया क्योंकि ऑपरेटर्स ऐसे ही गेम खेलते हैं। और फिर देखिए, सीधे सीधे 15 मिनट बाद कितने अच्छे तरीके से नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाई और वापस से ही नीचे का मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था। इस जगह पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर से वापस से नीचे ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई। तो गेम यही है, समझना पड़ेगा आपको पूरा अच्छे तरीके से, तभी आपको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। दूसरी चीज़ आपको क्या फॉलो करनी पड़ेगी आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, कि आप देखिए, आपको लगा कि अरे शिट, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, मैंने कट कर दिया और वापस से मार्केट अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो आप दौड़ाकर इस जगह पे ट्रेड लेंगे तो भी आप लॉस में चले जाएंगे। आपका प्रॉफिट दिन भर का जो कमाया हुआ है वो कम हो जाएगा। इस चीज़ पे मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि वो कम ना होने पाए, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेडिंग, मेरा सेटअप जो है छूट गया तो मैं उस ट्रेड को छोड़ दिया, फिर मैं बीच में पकड़ने नहीं गया ट्रेड को। वापस से मैंने देखिए तीसरा ट्रेड कहाँ पे लिया, अब मैं आपको फिर से वापस से दिखाता हूँ। आइए बैक कर लेते हैं और ऑर्डर लिस्ट में अब तीसरे लास्ट ट्रेड की तरफ चलते हैं। इस बार भी मैंने सेम एक ही लॉट के साथ काम किया। इस बार मैं देखिए, मेरा स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गया और इस बार मैं 22,000 का पुट ले लिया, जो कि 1:58 पर मैंने बाय किया और 2:23 पर मैंने स्क्वायर ऑफ किया। इस पर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर तक ट्रैप कर दिया मुझे। आप देख सकते हैं मार्केट में 20 मिनट वापस से मैं टिक गया और मार्केट उसके बाद भी नीचे गया, लेकिन ट्रैप होने के बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना ही पसंद करता हूँ, फिर मैं ज़्यादातर देर तक वेट नहीं करता हूँ। आप देख लीजिए, आइए वापस से चलते हैं ग्राफ में। तो मैंने 1:58 पर लिया था ट्रेड, वही सेम, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। 1:58 यानी कि ये ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं। इस जगह पे जाने के बाद वापस से मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट होती है मार्केट में, क्योंकि ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ ही आपको देखने को मिल रहा था आज का। और पूरी पूरी जो है 90% श्योरिटी थी कि मार्केट यहाँ के बाद फिर से नीचे जाएगा, जो कि हुआ। लेकिन इस बार मार्केट ने थोड़ा सा और ट्रैप किया, देख सकते हैं आप, थोड़ा और ऊपर गया, जिसपे मैंने अपना ये रेड कैंडल होते ही, फॉर्म होते ही मैंने निकाल दिया, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट इस लेवल पे। क्योंकि मार्केट यहाँ से कब ऊपर चला जाता, क्योंकि यहाँ पे OIs भी जो हैं वो प्रॉपर सेम टू सेम चल रहे थे, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के। तो यहाँ पे एक सेटअप मेरा नीचे गिर रहा था क्योंकि मैं वहाँ पे अपना सोच रहा था कि मेरा प्रॉफिट थोड़ा भी कम ना होने पाए, इसलिए मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। हालांकि उसके बाद देखिए आप, मार्केट फिर से नीचे कितने अच्छे तरीके से मूव किया हुआ है। और वापस से मार्केट में मैं दोबारा कूदना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिट में था, दूसरे में मैं हल्का सा ट्रैप हुआ, तीसरे में ट्रैप हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर निकल गया मार्केट। मैंने अपना लैपटॉप यहीं पर बंद कर दिया, फिर मैं
जबकि उसके बाद 2 घंटे 1.5 घंटे तक मार्केट खुला रहता है, लेकिन मैं मार्केट को देखना भी जरूरी नहीं समझा। मार्केट जब बंद हो गया तब मैं ये वीडियो वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने, बचा हुआ वीडियो जो है। तो पूरा ट्रेडिंग इसी पे था। आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिकना है, आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, नया नया आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा है, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, आप ज़रूर प्रॉफिटेबल बनेंगे। और हमने भी धीरे धीरे सीखा हुआ है, आप भी धीरे धीरे सीखेंगे, और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। कल वापस से निफ्टी का एक्सपायरी है, तो शायद मैं ट्रेड ना करूं कल के डेट में, मैं थोड़ा बिजी हूं, तो कल की ट्रेडिंग या कल की वीडियो तो नहीं आएगी। अगर मैंने एक दो ट्रेड ले लिया तो शायद डाल दूं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कल मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कल कहीं जाना है। तो आज अब हम अपने पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, आज के डेट में मुझे टोटल 2095 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से कि हम अगर अपना चार्ज लेस करते हैं, 176 रुपये का मैंने चार्ज पे किया हुआ आज के दिन पे, तो मेरा करीब करीब निकल के आता है 1900 रुपये का प्रॉफिट आज फिर भी निकल के आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपना वीडियो अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और मिलते हैं अब एक नए वीडियो में नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।